हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, हमने वीडियो के पार्ट वन में विस्तार से चर्चा की थी घन के बारे में। घन क्या होता है, हमने ज्यामितीय रूप में भी चर्चा की, और घन को निकालने की हमने संक्षिप्त विधि शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और बच्चों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए, वह पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से भाग दिया जाए, हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर जी। नमस्ते सर जी। बच्चों, ज्यामितीय रूप में घन किसे कहते हैं? सर जी, जिसकी भुजाएं बराबर होती है या सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे हमें घन कहते हैं। बच्चों, घन संख्या किसे कहते हैं? सर जी, सम में उस संख्या की 3 बार जब गुणा की जाती है, उसे हमें घन संख्या कहते हैं। बच्चों, 9 का घन व 7 का घन क्या है? सर जी, 9 का घन 729 है, 7 का घन सर 343 होता है। बच्चों, क्या कोई पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए व किस संख्या से भाग किया जाए, आप में से कोई बता सकता है? सर, पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए, हमें पता नहीं है। सर जी, किस संख्या से भाग दिया जाए, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बच्चों, आज हमें पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए व किस संख्या से भाग किया जाए, आज हमें बच्चों विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए, अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। 128, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले किया है। इकाई का अंक 8 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी ये संख्या, यानी 2 से जब भाग देंगे भाग पर 64, 64 पर चलेंगे। 64 में फिर इकाई का अंक 4 है, तो संख्या 2 से फिर विभाजित होगी और कितना आएगा बच्चों, 32। 32 में फिर इकाई का अंक 2 आ जाता है, और जब इकाई का अंक 2 आ जाता है, इसका अर्थ बच्चों फिर 2 से विभाजित होगी 16। 16 में फिर इकाई का अंक 6, और 2 से फिर विभाजित करेंगे 8, और 8 फिर 2 से भाग होता है 4। 4 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 दुनी 4, 2 को 1 पर चला। यानी इस प्रकार यदि हम देखें 128 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या है, आपके सामने देखिए 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी बार है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये 7 बार आए हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि किस संख्या से गुणा की जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पहले हम त्रिक बनाते हैं, तीन तीन के जोड़े, कि कहीं ये पूर्ण घन संख्या है तो नहीं। 3 का जोड़ा बनाया, 2 2 2 3, जो 2 गुणा 2 गुणा 2 के नीचे अंडरलाइन यानी एक रेखा है। ऐसे ही नेक्स्ट 3 के 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके नीचे भी एक रेखा है, अंडरलाइन लगा दिया। अब जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, जिस अंक के नीचे रेखा नहीं है, या हम ये कहें बच्चों जो त्रिक में नहीं है, या हम ये कहें जो 3 के जोड़ों में नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है? आपके सामने है 2। 1 2 अकेला दिखाई दे रहा है आपको, इसका अर्थ बच्चों अगर इसको हमने पूर्ण घन बनाना है, कितने से गुणा करनी चाहिए, क्योंकि त्रिक होना चाहिए, पूरे 3 3 के जोड़े होने चाहिए, 2 तो अकेला एक है,
तो इसका मतलब दो गुणा दो यानी दो बार और चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों अभीष्ट संख्या। अभीष्ट का मतलब जो पूछी गई है, तो अभीष्ट संख्या कितनी होगी? दो गुणा दो, क्योंकि एक दो है अभाज्य गुणनखंड इसमें। और मैं हमने पहले भी चर्चा की थी, हमने पहले चर्चा क्या की थी, पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है जिसमें अभाज्य गुणनखंड तीन तीन बार आए, इसमें एक बार आया है दो, तो इसको हम दो गुणा दो यानी कितने से गुणा करनी चाहिए बच्चों? चार से। अभीष्ट संख्या क्या हुई? चार, यानी चार से गुणा करें तो पूर्ण घन संख्या कितनी बनेगी? 128 को चार से गुणा कीजिए, दो गुणा दो 512। इसका अर्थ बच्चों 512 एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण 392, बिल्कुल वही तरीका। 392 में बच्चों इकाई का अंक क्या है? दो। इकाई का अंक दो, तो हमें क्या करेंगे, दो से इसको विभाजित करते हैं कितना आएगा? 196। फिर इकाई का अंक दो आ जाता है, फिर दो से भाग देते हैं कितना आएगा? 98। 98 में फिर इकाई का अंक 8 है, दो से विभाजित होता है कितने पर चलेगा? 49। 49 बच्चों दो से विभाजित नहीं होता क्योंकि इकाई का अंक 9 है। अंकों का योग करके देखते हैं तीन से भाग होता है या नहीं, 4 और 9 13 तीन से विभाजित नहीं है, इसका अर्थ बच्चों ये तीन से भाग है नहीं होगा। पांच से देखेंगे, फिर पांच की विभाजकता में क्या होता है? इकाई का अंक शून्य है 500, इसमें तो 9 है, पांच से भी नहीं होगा। सात से देखते हैं, सात से हो जाता है 47 49, यानी भागफल कितना आएगा? 7। 49 को जब 7 से भाग करते हैं बच्चों कितना आता है? 7। 7 को फिर 7 से विभाजित करते हैं 1। इस प्रकार से 392 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों आपके सामने है, कितने आ जाते हैं? 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अब हम त्रिक बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं तीन तीन के, तो अंडरलाइन लगाते हैं जो पूरा जोड़ा है तीन का, 2 × 2 × 2 इसके नीचे अंडरलाइन, क्योंकि तीन बार आए हैं 2 × 2 × 2। अब बच्चों 7 × 7 ये तो त्रिक नहीं है, तीन का जोड़ा नहीं है, तीन का जोड़ा पूरा करने के लिए इसको किससे गुणा करनी चाहिए? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही 7 से, यानी हम बच्चों कह सकते हैं अभीष्ट संख्या कितनी होगी फिर? 7। यानी अगर हम 7 से गुणा करें बच्चों इसको, पूर्ण घन संख्या कितनी बनेगी? 392 को जब 7 से गुणा करते हैं 2744। तो ये थी बच्चों आपकी पूर्ण घन संख्या। यानी बच्चों यहां पर क्या था कि अगर तीन तीन के जोड़े पूरे नहीं बनते हैं, गुणा कितने से करें? जितने उसके जोड़े बनते हैं उसी से हमें गुणा करें। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से भाग दिया जाए। अब भाग की बात करते हैं कि किस संख्या से भाग करें। अभी हमने गुणा के बारे में चर्चा की थी, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 250। पहले बच्चों वही तरीका, इसमें अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 250 के, इकाई का अंक शून्य है, दो से भाग होता है, सबसे पहले हम दो से विभाजित करेंगे कितना आएगा बच्चों इसमें? 125। अब 125 दो से विभाजित होता है, इकाई का अंक 5 है, बिल्कुल नहीं सही। फिर हम तीन से विभाजकता देखते हैं बच्चों, 125 में अगर अंकों का योग करके देखें 5, 2, 7 और 1, 8 होता है दो तीन से भाग नहीं होता बच्चों, इसके अंकों का योग भी तीन से, इसका मतलब है ये संख्या तीन से विभाजित नहीं है, पांच से, इकाई का अंक शून्य है 5, 125 में 5 है, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों 5 से विभाजित होगा। 125 को जब हम 5 से विभाजित करते हैं कितना आएगा? 25 भाग पर, कितने पर चलेगा? 25 पर। 25 को फिर 5 से भाग करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 25 फिर 5 से विभाजित करते हैं बच्चों, 5 एकम 5 यानी भाग पर 1 आता है, या हम कह सकते हैं बच्चों 250 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 × 5। अब हम इसके त्रिक बनाते हैं तीन तीन के जोड़े, तीन तीन के जोड़े कितने बनते हैं बच्चों? 5 × 5 × 5 एक 5 का त्रिक बन जाता है, 2 अकेला बचता है, 2 के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई त्रिक नहीं है, कोई तीन का जोड़ा नहीं है, या हम ये कहें त्रिक से बाहर संख्या 2 है, या हम कहें तीन का जो जोड़ा नहीं बनाती वो संख्या 2 है, तो भाग किससे करें बच्चों? अगर ये 2 कैंसिल हो जाए अपने आप ही पूर्ण घन संख्या बच जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर कितने आएगी? 2 आपके सामने।
तो पूर्ण घन संख्या क्या बनेगी बच्चों, जब 250 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 125। इसका अर्थ 125 एक पूर्ण घन संख्या है, या हम कहें बच्चों 250 को यदि 2 से भाग दें तो वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ऐसे ही बच्चों हम एक अन्य एग्जांपल देखते हैं, दूसरा उदाहरण 648, बिल्कुल वही तरीका। 648 में बच्चों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाइए। सबसे पहले इसके इकाई का अंक क्या है इसमें, 8। 2 से भाग होता है, बिल्कुल सही 2 से होता है, 2 से भाग करेंगे 324। 324 में फिर इकाई का अंक 4 है, फिर 2 से भाग होता है, कितना आएगा बच्चों 162। 162 फिर 2 से भाग होता है, कितना आएगा 81। 81 को देखिए बच्चों ध्यान से, 81 में इकाई का अंक 1 है, 1 2 से भाग नहीं होता, तो अंकों का योग करके देखिए 3 से भाग होता है या नहीं, 8 और 1 9, 9 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है अंकों का योग। तो इसका अर्थ ये संख्या 3 से विभाजित है। 81 को बच्चों 3 से भाग करेंगे, 27 दिया 81, भागफल कितना आता है 27। 27 फिर 3 पर विभाजित होता है क्योंकि अंकों का योग 9 है, फिर हो जाते हैं 3 × 27, 9 फिर 3 से विभाजित है, 3 दिया 9 और लास्ट में 3 × 3 यानी भागफल 1 आता है। इस प्रकार बच्चों 648 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, या हम अगर इसके त्रिक बनाए, 3 3 के जोड़े बनाए, 2 2 का एक जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है अंडरलाइन बिल्कुल स्पष्ट, ऐसे ही 3 3 की भी एक त्रिक बनी हुई है, एक जोड़ा बना हुआ है 3 3 का, उसके नीचे भी अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है। जो त्रिक में नहीं है संख्या, जो 3 के जोड़ों में नहीं है संख्या, या जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, वो संख्या कौन सी है सोचिए, बिल्कुल सही 3। तो इसलिए बच्चों अभीष्ट संख्या यानी जो पूछी गई है कितनी आएगी 3। और पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए बच्चों इसको क्या करेंगे, 648 जो हमारी संख्या थी उसको 3 से भाग देंगे और भागफल कितना आएगा 216। इस प्रकार से बच्चों हमें कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन नहीं है उसको विभाजित कर सकते हैं, और जैसे हमने इसमें किया था 3 से विभाजित करके 216। बच्चों आपको क्या समझ में आया कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए किस संख्या से गुणा की जाए अथवा भाग किया जाए? सर हमें समझ में आ गया किस संख्या से गुणा की जाए। जी सर हमें समझ में आ गया किस संख्या से भाग किया जाए। सर जी हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर बच्चों आपको समझ में आया तो ये कुछ प्रश्न जो आपने स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 1, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, 243, 256। प्रश्न नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, 81, 128। सर हम ये प्रश्न स्वयं घर से करके लाएंगे। जी सर हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।